अगर आप एक नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर आप अपने करंट लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्लो प्रोसेसिंग की वजह से परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है यूडी और स्वागत है आपका टेक जॉटर्स पे। न्यू कंप्यूटर परचेज करते समय आप उसकी स्पीड को दो ही चीजों में जज करते होंगे, या तो एक सीपीयू स्पीड या तो फिर रैम स्टोरेज। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप भूल जाते हैं वो है स्टोरेज। जी हाँ, आपके कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है कंप्यूटर की स्टोरेज पर भी। इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ दो तरीके की स्टोरेज ऑप्शंस। पहली है हार्ड ड्राइव और दूसरी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम SSD भी कहते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये ऐसा होगा कि जैसे मैं डुकाटी बाइक को वोल्वो बस से कंपेयर कर रहा हूँ। हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। बेसिकली हार्ड ड्राइव एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें कई मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर एक रिवॉल्विंग हेड होता है जो डेटा एक्सेस करते समय प्लैटर पर घूमता है। वही SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। USB की तरह इसमें फ्लैश स्टोरेज होती है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो SSD की वर्किंग स्पीड हार्ड ड्राइव से कई गुना ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक रूम में से बुक लेके आनी है तो आप पहले उस रूम में जाएंगे, फिर उस बुक को ढूंढेंगे और फिर ढूंढने के बाद उसे लेकर आएंगे। वहीं अगर आपको पहले से पता है कि रूम में बुक कहाँ पड़ी है तो उसे आप जल्दी से ला पाएंगे। बस ऐसे ही हार्ड ड्राइव फाइल्स की लोकेशन को फिजिकली ढूंढकर एक्सेस करता है। वहीं SSD की फ्लैश स्टोरेज इसे विद इन माइक्रोसेकंड डायरेक्ट एक्सेस कर लेती है। अब आते हैं रिलायबिलिटी पर। आज की डेट में भी हार्ड ड्राइव रिलायबल नहीं है। एक बार गिरने पर यह अनरिकवरेबल हो जाती है। वहीं SSD की बात करें तो ये किसी भी तरीके के शॉक या गिरने पर खराब नहीं होती, अनलेस आप उसे थर्ड फ्लोर से ना फेंक दें। अब ये तो बात होगी SSD के फायदे की और हमें ये अपने लैपटॉप में लगवानी भी चाहिए। बट मार्केट में SSD अभी भी काफी एक्सपेंसिव है। जहाँ 1 TB की हार्ड ड्राइव का प्राइस 4000 रुपीज है, वहीं 256 GB की SSD हमें 6000 रुपए में मिलती है। इसलिए लेटेस्ट लैपटॉप में आपने देखा होगा कि कंपनी सिर्फ 128 GB की SSD स्टोरेज देती है और उसी प्रोडक्ट का प्राइस हाई करके उसे 256 GB वेरिएंट में बेच रही होती है। अब बात करें स्टोरेज की, जहां आपको म्यूजिक, वीडियोस और आपकी फोटो स्टोर करनी होती है, वहां SSD काम नहीं आती। अगर आप फिर भी 1 TB की हार्ड ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 18 से 20 हजार खर्च करने होंगे। इतने में आप 4 गुना स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं। इसलिए मास स्टोरेज के लिए अभी भी हार्ड ड्राइव यूज की जाती है। क्वेश्चन इज, अब क्या किया जाए? सीधा SSD उन लोगों के लिए जिनके लिए कंप्यूटर की स्पीड मायने रखती है और वो लोग स्टोरेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और हार्ड ड्राइव उन लोगों के लिए जो कम बजट में ज्यादा स्टोरेज ऑप्शन ढूंढ रहे हैं और उनके लिए स्पीड मैटर नहीं करती, जी लेंगे कम स्पीड में भाई टाइप्स। और वो लोग जो SSD की हाई स्पीड और हार्ड ड्राइव की ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की मेन ड्राइव में SSD लगवा लें और अपनी स्टोरेज नीड्स के लिए जैसे म्यूजिक, वीडियोस और फोटोज जिन्हें आप रेगुलर एक्सेस नहीं करते, उसे आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ले लीजिए। ऐसे आप SSD की हाई स्पीड और अपनी स्टोरेज रिक्वायरमेंट को खुशी-खुशी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ आपके कंप्यूटर की स्पीड भी अब हंसी आ रही है, हंसी वाले मोड में चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।